हेलो एवरीवन वेलकम टू डॉक्टर गुंजन क्लासेस माई सेल्फ डॉक्टर गुंजन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट टू वर्ल्ड ऑफ लिविंग ये क्लास टेंथ साइंस का आपका सेकंड सेकंड यूनिट है जिसके अंदर फोर चैप्टर्स आते हैं और ये सारे के सारे चैप्टर्स आपकी बायो से रिलेटेड है और ये ट्वेंटी मार्क्स कवर कर रहे हैं सो इसमें फ़ोर चैप्टर्स हैं लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रीप्रोडक्शन एंड हैरिडेट्री एंड एवोल्यूशन सो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस तो लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ लाइक uh, फॉर like uh, वे कोई भी ऑर्गेनिजम है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम है उसकी बॉडी को रन करने के लिए कुछ प्रोसेस उसकी बॉडी के अंदर होते हैं तो उस उन सारे प्रोसेस को जो उसकी लाइफ टाइम में उसकी बॉडी को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं सो so बेसिकली चार लाइफ प्रोसेस हैं न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रेशन तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में कि इंट्रोडक्शन लाइक अबाउट द लाइफ प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे यूनीसेलर और मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आर वीडियो वॉट आर लाइफ प्रोसेस सो लाइफ प्रोसेस ऑर्गेनिज़म्स जैसे कि आप देखिए कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें चाहे वो प्लांट्स हैं एनीमल्स हैं वायरसेज हैं ह्यूमस हैं कोई भी है तो जो भी ऑर्गेनिज़म्स Uh, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मूवमेंट की फॉर्म में शो करते हैं चाहे वो उससे उसकी ग्रोथ हो रही है चाहे नहीं हो रही ठीक है तो पर ऐसा नहीं है कि जो भी हमें दिख रहा है लाइक विजिबल मूवमेंट हो रही है अगर किसी का बढ़ना किसी की ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट होना अगर वो हमें दिख रहा है तभी वो मतलब एक लाइफ uh, प्रोसेस का पार्ट है वो उसका डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक नहीं है जैसे कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है है ना वो इंटरनल ग्रोथ हमें नहीं दिखती कुछ एनिमल्स इंटरनली ब्रीद करते हैं वी कैन नॉट सी देयर विजिबल मूवमेंट वायरसेस की अगर आप बात करें तो वो कोई भी मोलिकुलर मूवमेंट हमें दिखती नहीं है पर वो फिर भी दूसरे सेल्स को इम्पैक्ट करते हैं ठीक है तो जो जितनी भी ये मूवमेंट्स हैं ये विजिबल नहीं है सो विजिबल मूवमेंट जो है हम कहते हैं ना कि उसकी ग्रोथ हो रही है हमें वो दिख रहा है So, जो विजिबल है वही डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक है जबकि ऐसा नहीं है विजिबल मूवमेंट एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक लाइफ का नहीं है तो वो चाहे ह्यूमंस की बात करें प्लांट्स की बात करें वायरसेस की बात करें या किसी की भी बात करें दैट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ सो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें ठीक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारे के सारों में एक लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन होता है सो so आपको पता है द जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ सबसे पहले किसी भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल बनता है जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन कर जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं सेल्स बना देते हैं फर्दर टिश्यू देखिए यहाँ पे ये एक सेल से टिश्यू बन गया टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है यू कैन सी सो डिफरेंट ऑर्गन्स बॉडी में एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं ठीक है ये हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं सेल से टिश्यू बन गया टिश्यू से ऑर्गन्स बन गए और ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया और पूरे ऑर्गन सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं ऑर्गेनिज्म सो दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है पर कुछ इफेक्ट्स एनवायरमेंट के इफेक्ट्स के कारण दिस ऑर्गेनाइज ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इस इसमें ब्रेकडाउन होती रहती है ठीक है इस इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चाहे नेचर का इफ़ेक्ट आ गया चाहे कोई भी इफ़ेक्ट आ गया जिसके कारण इसके अंदर ब्रेकडाउन होती रह रही है उस ब्रेकडाउन को रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है चाहे वो हमारी बॉडी सेल्फ रिपेयर करती है बट दैट रिपेयर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट सो जो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल से बने हुए हैं ठीक है ये इनके अंदर एक रिपेयर सिस्टम चलता है और वो बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है ठीक है अगर वो नहीं होगा तो हमारी बॉडी मूव नहीं कर सकती ठीक है तो उसको उस उस ऑर्गन सिस्टम को चलाने के लिए राइट जस्ट जस्ट उनकी रिपेयर की जरूरत होती है सो so, यही जो सारा मेंटेनेंस प्रोसेस है जो उस डैमेज को रिपेयर करता है या बॉडी को उस प्रिवेंट करता है डैमेज से फर्दर डैमेज से इन्हीं सब चीज़ों को मिला के क्या बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी ये एक ऐसे मेंटेनेंस प्रोसेस हैं जो कि बॉड जो डैमेज टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में फर्दर डैमेज और फर्दर डैमेज को प्रिवेंट करना और उसकी बॉडी में जो भी ब्रेकडाउन हो रहे हैं उसको मेनटेन कर उसको मेनटेन करना और प्रिवेंट करना फर्दर डैमेज को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है सो so बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम लोग चार लाइफ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशन सेकेंड इज़ रेस्पीरेशन थर्ड इज़ लाइक कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन जिसे आप बोल सकते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड राइट फोर्थ इज़ एक्सक्रीशन एक्सक्रीट आउट करना बॉडी से वेस्ट मटेरियल को तो इन सब प्रोसेसेस को रन करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये जो एनर्जी सोर्स है इसका एनर्जी कहाँ से आएगी वो बाहर से आएगी तो जो बाहर से जो एनर्जी हम ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर उसको हम एनर्जी सोर्स बोलेंगे तो वो एनर्जी सोर्स क्या रहेगा हमारा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म का एनर्जी सोर्स क्या रहता है फूड येस वेरी गुड सो फूड जो है वो हमारा एनर्जी सोर्स होता है जो भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड खाता है वो अपने अंदर बॉडी में एनर्जी सोर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ही टेक्स और उसको उस फूड की ब्रेक डाउन हमारी बॉडी के अंदर होती है क्योंकि वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है जो फूड है वो सारा का सारा कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल कार्बन से बना हुआ होता है ज़्यादातर ज़्यादा फूड कार्बन बेस्ड रहता है तो उसकी ब्रेक डाउन होती है हमारी बॉडी के अंदर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल मॉलिक्यूल्स और वो शुगर की फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है और हमें फाइनली वो एनर्जी देता है राइट सो फूड जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और बिल्डअप होते हैं हमारी बॉडी में और वो कन्वर्ट कर देते हैं मतलब जो मॉलिक्यूल्स, बाहर वाले मॉलिक्यूल्स, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके उससे हमें एनर्जी दी जाती है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज़रूरी होती है ठीक है सो इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस भी होती हैं रिड्यूस रिडक्शन रिएक्शंस भी होती हैं सो so, ये सारी की सारी हमारी बॉडी में उन उस जो केमिकल्स को ठीक है जो कॉम्प्लेक्स केमिकल्स थे कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए या यूज अप करने के लिए हमारी बॉडी में टू प्रोड्यूस द एनर्जी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं तो वो वो क्या करती हैं जो ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो ये कुछ बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं चाहे तो वो यूज़लेस होंगे या हार्मफुल होंगे जो भी ऐसे बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं ठीक है उनको हमारी बॉडी से निकालना भी उतना ही ज़रूरी होता है और वो निकालते किस प्रोसेस के थ्रू है एक्सक्रीशन सबसे पहले बेसिकली चार लाइफ प्रोसेस हम इसमें पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ कोई भी हम लोग फूड खा रहे हैं अगर हम ह्यूमंस की बात करें हम लोग फूड ले रहे हैं फ़ूड लेके हमने अपनी बॉडी में उस फूड को एब्जॉर्ब किया और उसकी जो है उससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई और उस एनर्जी को अप करके हमने Uh, अपनी बॉडी को रन किया उसको हम बोलेंगे खाना खाने को बोलेंगे न्यूट्रिशन ठीक है खाना खा के उससे एनर्जी ली उसके बाद हमारी बॉडी में सेकेंड प्रोसेस क्या रहता है इट्स लाइक डाइजेशन उसकी डाइजेशन हुई थर्ड रहता है सर्कुलेशन लाइक कि जो हमारा ब्लड है ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है फोर्थ क्या हुआ एक्सक्रीशन तो जो हमारी बॉडी में ये सब कुछ खाना यूज़ जब हो गया जो कैम जो बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए जो यूजलेस और हार्मफुल केमिकल्स जो बच गए उसको हमें हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी करना है तो वो किसके किस थ्रू किस प्रोसेस के थ्रू होंगे दैट इज़ थ्रू एक्सक्रीशन सो ये सारा का सारा हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट है सो so बेसिकली हम लोग दो ऑर्गेनिज़म्स में इसको पढ़ते हैं फर्स्ट इज़ यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स एंड सेकेंड इज़ मल्टी सेलोर ऑर्गेनिजम्स तो यूनीलुर ऑर्गेनिज की अगर हम बात करें यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़म जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए अमीबा पैरामीशियम युगलिना क्लेमाइटोमनास सो इनका जो है ये यूनीलोर ऑर्गेनिज़म्स हैं इनका सरफेस एरिया जो है वो बहुत कम होता है और जो इनका सरफेस एरिया है अगर आप यहाँ पर देखें यू जस्ट सी द एग्ज़ाम्पल ऑफ अमीबा अमीबा की अगर हम बात करें तो इसका जो सरफेस एरिया है जो इसका है ये एनवायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ठीक है यू कैन सी इट्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट तो जो इसके पास क्या है स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस ऐसा नहीं है कि फ़ूड को इनटेक करने के लिए इसके पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गैस एक्सचेंज के लिए डिफरेंट है एक्सक्रीशन के लिए डिफरेंट है नो इट इज़ वन एंड ओनली सिस्टम क्योंकि इसका सरफेस एरिया एन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है चाहे मोमिवा की बात करें पैरामिशियम की बात करें जुगलिना की बात करें सो so, इन सबके जो हैं सरफेस एरिया एन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं इसलिए इनके लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इनमें जो काम है बहुत सिंपलर वे में हो जाता है जबकि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज़म्स की अगर हम बात करें इसके अंदर सारे के सारे सेल्स जो हैं ये आपको देखा है कि सेलर ऑर्गेनाइजेशन है अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम ह्यूमंस की बात करें सेल है सेल से टिश्यू बनता है टिशू से ऑर्गन बन रहा है ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो जो इस ये पूरा ऑर्गेनिज्म है ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है तो सारे के सारे सेल्स जो हैं इसके वो एनवायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है इसकी बॉडी में बहुत कुछ हो रहा है तो सिंपल जो डिफ्यूजन से खाना अंदर लेना बाहर निकालना या एक्सक्रीट करना वेस्ट को बाहर निकालना सिंपल डिफ्यूजन से ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता जबकि यूनिसेलर ऑर्गेनिज़म्स में जो भी सेल है ठीक है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया सरफेस एरिया के एनवायरमेंट के तो इसमें क्या होगा कि डिफ्यूजन के थ्रू काम चल जाता है ये खाना इनटेक भी कर लेते हैं और एक्सक्रीशन एक्सक्रीट आउट भी कर देते हैं एक्सक्रीटा ठीक है तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इनके केस में क्या होगा इसमें डिफरेंट स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम रहेगा बॉडी पार्ट्स रहेंगे स्पेशलाइज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तो उसके लिए फूड को कैरी करना ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना तो इसके लिए हमारे पास एक पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हम इसमें इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वेयर एज जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है ठीक है तो उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमारी बॉडी से पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसको हम फर्दर स्टडी करेंगे ठीक है तो ये बात रही इस चैप्टर में कि लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं अगर हम रिकॉल करें इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा बताइए लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं लाइफ प्रोसेस रिक्वायर्ड क्यों हैं कौन से कौन से लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं और सबसे बड़ी बात कि यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुरर ऑर्गेनिजम्स में फ़र्क क्या है और उन दोनों में लाइफ प्रोसेसिस किस तरह से परफॉर्म होते हैं एक में हमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उनकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है एन्वायरमेंट के सिंपल डिफ्यूजन से उनका काम चल जाता है वेयर एज इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स तो उनकी बॉडी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है तो उसके केस में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी में रहते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं फॉर लाइफ प्रोसेसिस ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो and uh, thank you for listening this video and if you like this video kindly uh, like share and subscribe to this channel like and share this video with your friends and uh, for watching its second part you can uh, see the link in the uh, below okay. video so thank you so much bye bye take care